हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरे जो ब्रांड रजिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को चालू कीजिए। अगर आपका किसी भी तरह से अमेज़ॉन जो ब्रांड एप्लीकेशन किया है, ब्रांड रजिस्ट्री के लिए आपने जो एप्लीकेशन किया है उसको अगर रिजेक्ट कर देता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मोस्टली अमेज़ॉन आपका जो ब्रांड एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट क्यों करता है, इसका जो मेन कारण है वो ये है कि कई बार आप जो इमेज प्रोवाइड करवाते हो, अमेज़ॉन आपको बोलता है कि आप अपने प्रोडक्ट की हमको एक लाइव या फिर जो रियल वर्ल्ड इमेज है वो प्रोवाइड कीजिए, जिस पे कि आपका ब्रांड नेम, अगर आपका कोई भी लोगो है तो वो क्लियरली विजिबल हो। बेसिकली होता क्या है कि कई बार आप टेक्स्ट बेस्ड ट्रेडमार्क लेते हो, कई बार इमेज बेस्ड ट्रेडमार्क होता है। टेक्स्ट बेस्ड ट्रेडमार्क में जस्ट एज ए दीपेश करके एक नाम है, इस तरह से आपने एक ट्रेडमार्क ले लिया तो वो एक टेक्स्ट बेस्ड ट्रेडमार्क हो जाता है। कई बार इमेज होती है आपके ट्रेडमार्क में और उसको फिर आप अमेज़ॉन को सबमिट करते हो, देखिए ये मेरा ट्रेडमार्क है, इमेज के साथ है, ये है, तो कई बार अमेज़ॉन उसको रिजेक्ट कर देता है। देखिए, रिजेक्ट करने के कई सारे रीज़न होते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से करना है ताकि वो अप्रूव हो जाए। बेसिकली मल्टीपल टाइम कई बार आपको ये करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, अब आपका होता क्या है कि जैसे ही आपका एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, यानी जो ब्रांड रजिस्ट्री का एप्लीकेशन अगर अमेज़ॉन आपका रिजेक्ट कर देता है, तो आपको वापस से रीअप्लाई करना पड़ता है। रीअप्लाई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उस पर जो आपका ब्रांड नेम है, उसके बाद अगर कोई भी इमेज है आपका, जैसे कि कई बार इमेज बेस्ड अगर आपका ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम है, तो वो सब चीज़ें आपका जो भी प्रोडक्ट है उस पर इस तरह से लगी हुई होनी चाहिए कि वो कभी उखड़े ना यहाँ से। कई लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर से पेपर निकाल दिया और फिर उसको चिपका दिया, तो ये सब नहीं चलेगा। परमानेंटली फिक्स्ड होना चाहिए आपका जो भी लोगो, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क जो भी है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपका जो ब्रांडिंग है वो दिखना चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो ऐसी ही इमेज अमेज़ॉन को अगेन जब भी आप रीअप्लाई कर रहे हो तब उसको सबमिट कीजिए। आपको साइड में कुछ एग्जाम्पल भी दिख जाएंगे, तो इस तरह से आपको करना है। इसके अलावा अमेज़ॉन का जो आपका सेलर सेंट्रल बना है वहाँ पे एक लिस्टिंग ऐसी कीजिए जिसमें कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो इमेजेस आपने डाली है, तो वहाँ पे आपका जो भी ब्रांड नेम वगैरह है उसमें क्लियरली दिखना चाहिए। जो भी इमेजेस आपने डाली है, प्रोडक्ट की इमेज है तो उसके ऊपर आप जो भी लगा रहे हो, चिपका रहे हो, वैसे कंप्यूटर जनरेटेड वगैरह नहीं चिपकाना है, बट कुछ इस तरह से चिपकाना है कि वो ऐसा लगे कि कभी नहीं निकले ना, वो कि फालतू से नहीं चिपकाया है, परमानेंटली फिक्स्ड है वो। तो उस तरह से आपको एक लिस्टिंग करना है, तो वो भी अमेज़ॉन को आपको दिखाना है, वहाँ पे आप उसका जो भी लिंक है वो डाल सकते हो। इसके अलावा आपका अगर कोई वेबसाइट है और वेबसाइट पे भी आपको इसी तरह से लिस्टिंग करनी है, तो उसका भी लिंक आप अमेज़ॉन को जब भी आप रीअप्लाई कर रहे हो तब दे सकते हो। इससे होगा क्या कि अमेज़ॉन जल्दी से जल्दी आपका जो भी एप्लीकेशन है उसको सक्सेसफुली सबमिट कर लेगा और उसके बाद उसको अप्रूव कर लेगा। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि देखिए यार, प्रोडक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, छोटे प्रोडक्ट में आपको कोई भी पैकेजिंग वगैरह उस पे ऊपर स्लिप लगाने में वगैरह कोई दिक्कत नहीं आता है, बट इन केस अगर बड़ा प्रोडक्ट हो तो वहाँ पे दिक्कत होता है। तो वहाँ पे आप कुछ लेबल्स वगैरह बना सकते हो, लेबल्स बना के आप अच्छे से उसको चिपका सकते हो, या फिर बहुत सारी अगर कोई वुडन आइटम है तो वहाँ पे आप उसको एकदम अच्छे से डिजाइनिंग बना के अपना लोगो वगैरह वहाँ पे बना के अमेज़ॉन को बता सकते हो कि देखो ये मेरा ट्रेडमार्क लगा हुआ है, ये मेरा लोगो है, जो भी है एक्स वाई जेड, वो देखो ये मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो इस तरह से आपको अमेज़ॉन को बताना रहेगा। देखिए, कई बार आप सब कुछ भी सबमिट करते हो बट मल्टीपल टाइम वो अमेज़ॉन रिजेक्ट करता रहता है, तो आपको यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं होगा, आप उसको रीअप्लाई करते रहिए, हो जाएगा। कई बार लोग क्या गलती करते हैं कि सभी जितनी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में एक साथ सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे सबका एक कॉमन ही अपना ब्रांड रजिस्ट्री का एप्लीकेशन डाल देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत डालिए। अलग अलग कंट्री के लिए आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, सभी कंट्रीज़ के लिए एक साथ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो कई बार वो रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जिस कंट्री के हिसाब से सेल कर रहे हो, जहाँ पे भी सेल करना चाहते हो, तो उस हिसाब से उसका एक एक स्टेप बाय स्टेप आप करते रहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है।
इसके अलावा आपको शायद कुछ भी अगर इशू आ रहा है, फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो रीअप्लाई करते रहिए, हो जाएगा। बट ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखना, लिस्टिंग जरूर कर देना, वेबसाइट है तो वो उसका लिंक भी आप जरूर शेयर कर देना अमेज़न को। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।